अंधारी टाइगर रिजर्व के प्रकृतिवादी सुमेध वाघमारे पशु पक्षियों की दुनिया के जादूगर बन गए हैं। हिंगोली जिले के मूल निवासी सुमेध ने अपने गांव में बचपन बिताते हुए यह सीखा। वे खुद 200 से ज्यादा जानवरों और पक्षियों की सटीक आवाज निकाल सकते हैं। टाइगर रिजर्व में मोहली नेचर टूरिज्म में जंगल को समझने के लिए प्रोजेक्ट द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वे पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हैं कि केवल बाघ ही जंगल नहीं है, बल्कि जंगल के पशु पक्षी और अन्य जीव जंतु भी जंगल के अभिन्न अंग है। उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए पर्यटक अपनी सफारी के दौरान जंगल को अधिक ध्यान से देख सकते हैं। सुमेध वाघमारे की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उनकी तरफ आते हैं। मुर्गे, तोते, मोर, हिरण, चीतल सभी जानवर भी उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। सुमेध वाघमारे ने कहा कि जैसे सयाजी शिंदे ने प्रकृति के लिए काम किया, वैसे ही हमें भी प्रकृति के लिए काम करना चाहिए। यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय होगा। सुमेध ने मच्छर की आवाज निकालते हुए चिल्लाया। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि छोटा लड़का कैसे बोलता है। सुमेध हिंगोली से हैं। वह गांव में बकरियां पालता था। बकरी की आवाज करता है तो बकरी आ जाती है। बकरी बीमार हो जाए तो उसकी आवाज बदल जाती है। सुमेध को जंगल का जादूगर कहा जाता है। बकरी आती है उसके में जो बीमार है उसकी आवाज अलग है, जो मेल है उसकी आवाज अलग है, शीप अलग दे, 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 दे। ये अलग अलग उनके आवाजें होती है तो ये पता चल जाता है। जब वो आवाज निकालता हो तो कोई भी एनिमल मुझसे डरता नहीं, दोस्ती बना लेता है। तो बफेलो हो तो चंद्रपुर के ताड़ोबा से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताइडे की रिपोर्ट।